एवरीवन, जागो जुम्मन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल वर्मा। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ आज बहुत बढ़िया खबर। बहुत बढ़िया क्या चीज़ है वो आप जान के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आपको जैसे कि मैं बता दूँ, गोवा फिल्म फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर की 5 फिल्में जो थी वो सिलेक्ट हुई थी, जिसमें से कुछ एक्टर्स ऐसे थे जाने माने, जिनमें से कुछों का नाम जो है वो जुबां पे आ जाता है और दिल में उमंग जो है, खुशी जो है वो बढ़ जाती है। शाबाद खान बेस्ट एक्टर का उन्हें अवार्ड मिला था गोवा फिल्म फेस्टिवल। तो बहुत ही प्यारे प्यारे टैलेंटेड बच्चे जो है वो इस वक्त मेरे साथ हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं उनसे कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले बेटा स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव वर्मा है। केशव जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं छोटा सा गाँव है जिंद्रा, और मैक्सिमम लोग तो कम जानते हैं जिंद्रा को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिंद्रा को भी लोग जानें जहाँ पे मैं रहता हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस बार, फर्स्ट टाइम आप गए बाहर, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, किसकी सपोर्ट रही आपको? मैम सपोर्ट तो घर वालों की भी रही, मैम की भी रही, क्योंकि घर वालों के बिना हम जा नहीं सकते थे। मैम तो हमें, मैम के बिना भी हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि मैम तो हमें लेके जा रही थी एक ग्रुप बना के, बैंड के। मैं चाहूँगी अपनी मैम का नाम और उनका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम ले, चाहे आने वाली न्यू जनरेशन जो है वो भी उनको जाने। इस इंस्टीट्यूट का नाम है हरमन कल्चरल म्यूजिकल बैंड, मतलब इंस्टीट्यूट है लेकिन हमारा एक हरमन कल्चरल म्यूजिकल बैंड है। तो मैं चाहूँगी जो आपने वहाँ पर फेस्टिवल में शो किया उसका छोटी सी धुन जो है मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहूँगी, तो प्लीज़। बिल्कुल मैम, आपके सामने हाजिर है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो ठीक है, इनकी केशव जी की गुजारिश आई है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये भी प्यारे से एक स्टूडेंट हैं। सर क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम तजिंदर सिंह है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं तालाब तिलो से। तालाब तिलो से हैं, तो मैं चाहूँगी आप जो वहाँ पर फेस्टिवल आपने किया तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी मैम, मैं गुलाम अली साहब की गज़ल पेश करूँगा जो चारुकेशी राग में है। श्योर, वैसे बताना चाहूँगी गज़लें जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने एक बार फिर से गज़लों को लेके सामने आए। जी जी मैम, मैं पेश कर रही हूँ। ए होया तेरे प्यार दा सुरूर ने दुनिया च बैके लगा, दुनिया तो दूर ने होया तेरे प्यार दा सुरूर ने दुनिया च बैके लगा, दुनिया तो दूर ने सोनिए ने तैनू मैं प्यार करा, सोनिए तैनू मैं प्यार करा, अखियां नू तेरे सोने मुख तो हटा के, अखियां नू तेरे सोने मुख तो हटा के क्यों गुनगार करा, सोनिए ने तैनू मैं प्यार करा, सोनिए हाँ तैनू मैं प्यार करा, तैनू मैं प्यार करा, तैनू मैं प्यार करा। थैंक यू सो मच। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो आपने देखा म्यूजिकल बैंड मेरे साथ है और बहुत ही प्यारी जो है वो गज़ल इन्होंने सुनाई है, दिल तो भरा नहीं है। चाहूँगी एक और छोटी सी गज़ल अगर आप सुना दें हमारे दर्शकों को तो मज़ा ही आ जाए। हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, कीते होण करा कीते होण करा ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, हो
जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा। तारे गिणने पेंदे नींदरा आउंदियां ने, बिच उड़ीकां रहिंदियां अखियां सौंदियां ने, बिच उड़ीकां रहिंदियां अखियां सौंदियां ने, अखियां हो जाण चार ते सोना भुल जांदा। हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा। कीते होण करार, कीते हो करार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा। थैंक यू। वाह बहुत खूब, थैंक यू सो मच। आपने दर्शकों को एक प्यारी सी गजल और सुनाई, तो आगे चलते हैं, तो बात करते हैं इनसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाकम सिंह है और मैं जीवल से हूँ। कब से इस फील्ड में आए और क्या सोच के इस फील्ड में आए? मैं मुझे तकरीबन 10 से 12 साल हो गए इस फील्ड में। जब हम 7th या 8th क्लास में थे तब से हमें स्टार्टिंग हमारी कीर्तन से हुई। जैसे हम नामधारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हमारे वहाँ पे शुरू से ही जैसे गुरबानी को लेके हमें शुरू से ही डाल दिया जाता उसी चीज़ में। तो संगीत शुरू से ही हमारे घर में पहले भी था, तो फिर उसके बाद कीर्तन के थ्रू हम कीर्तन किया, फिर उसके बाद थोड़ा लाइट में आना शुरू किया, तो ऐसे ही हमारा अभी तक का यही सफ़र था। बहुत बढ़िया। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगनदीप सिंह है। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जम्मू आरसपुरा से बिलोंग करता हूँ। ये जम्मू आरसपुरा से, तो देख सकते हैं टैलेंटेड बच्चे जम्मू आरसपुरा से भी दूर दूर से यहाँ पर लाए हैं। और कौन लेके आए उनका भी जल्द नाम सामने रखूँगी। तो अपने बारे में बताएं कि आपने क्या सोचा आगे चलकर क्या करेंगे? और जी फिलहाल तो ये अपनी लाइफ की शुरुआत ही है। वैसे तो मैं 14-15 साल से तबला बजा रहा हूँ, तो आगे भी सोचा है कि जब तक है लाइफ तब तक तबला छोड़ना नहीं है। जितना सीखा आगे और अच्छा सीखना है, क्योंकि ये जो म्यूज़िक है इसका गहराई इतनी है कि आप पहुँच नहीं सकते। जितना समुद्र में डुबकी लगाओ उतना गहराई जैसे है, तो वैसे ही संगीत में भी है। जितना हम सीखेंगे उतना ज़्यादा दुनिया को दिखा सकते हैं कि क्या हमने सीखा है। वो प्ले करके बजा के सुना के हम सब सुना सकते हैं। तो कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छे उस्ताद तक हम पहुँचे सीख कर, तो अपने माँ बाप का देश का सबका नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया। मैं भी चाहूँगी अपने चैनल के माध्यम से ये बोलना, इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल स्टार्स जो है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ मेरे साथ है, इन्होंने इतना अच्छा बाहर भी परफॉर्म करके आए हैं। तो मैं चाहूँगी मेरे चैनल के माध्यम से आप भी इनको अपने साथ जोड़े, आने वाली जो भी और फिल्म्स हैं उनमें, जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनमें इनको पार्टिसिपेट करवाएं, चाहे इनका नाम जिस तरह से इन्होंने देश विदेश में अपना नाम रोशन किया, तो आगे चल के और भी नाम रोशन हो। तो मैं केशव जी चाहूँगी एक छोटी सी धुन आप भी सुनाएं। बिल्कुल मैम, आपको सुनाते हैं एक अच्छी सी धुन, तो इसका नाम है ग्रेटिट्यूड। लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसकी धुन ही ऐसी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया केशव जी। मैं चाहूँगी इनके लिए जोरदार तालियां, आप सभी होनी तो सभी के लिए चाहिए क्योंकि सभी ने बहुत अच्छा है। तो मैं वापस इनके पास जाऊँगी, मैं चाहूँगी मेरा दिल नहीं भर रहा, छोटी सी दो लाइनें अगर गुरबानी की आप सुना दें। अफगान मेरे यार,
प्यार प्रभ तेरे ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरे हर प्रभ तेरे खते पेरे नित प्रत सत पूनिए किते गल हो सक अब गण मेरे किते गल हो सक अब गण मेरे ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरे ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरे हर प्रभ तेरे हर प्रभ तेरे वाहे गुरु। थैंक यू मैम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये एक वाणी ऐसी वाणी है जिससे जीवन में अमृत ही अमृत हो जाता है, इसलिए मेरा दिल किया कि एक छोटी सी प्यारी सी गुरबानी भी सुनूं, और इन्होंने बहुत ही प्यारे सुर में गुरबानी भी सुनाई, तो शुक्रिया जी। तो मुझे उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा, इन प्यारे प्यारे जो हमारे लिली चैम्स भी हैं और प्यारे प्यारे हमारे स्टार्स भी हैं, तो इनके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैंने आपको बैंड का बताया, अब मैं बताने जा रही हूँ आपको भांगड़ा। भांगड़ा हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा ज़रूरी है, और जहाँ पे भांगड़ा होता है वहाँ पे तो चार चांद लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्या नाम है बच्चे आपका? सनमप्रीत सिंह। तो कहाँ से बिलोंग करते हो? हम जम्मू बोर कैंप चट्ठा। तो आपने ये फिल्म फेस्टिवल में जब ज्वाइन किया तो क्या सोच के ज्वाइन किया, और उस टाइम क्या फीलिंग्स आ रही थी, क्या सोचा आपने? ये मैम ने हम ज्वाइन करवाया था, मैम ने हमारा डांस जो रखाया था गोवा में फिल्म फेस्टिवल में, ये जम्मू का पहला ही शूट है जिसने मतलब की गोवा फिल्म फेस्टिवल में जाके वो दी परफॉर्मेंस दी। मैम मिसेज गुरविंदर कौर एक्टर भी है, मॉडल भी हैं और कोरियोग्राफर भी हैं, जिन्होंने इन प्यारे प्यारे बच्चों का जो है हमारे जम्मू कश्मीर के बोले अगर हम तो ये चार चांद लगवा लीजिए, तो चार तो नहीं है बहुत सारे हैं, मगर यह है कि बहुत प्यारे प्यारे जो चांद सितारे हैं उन माँ के नूर हैं, जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपना इस फील्ड में भी नाम रोशन किया। तो क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम हर्षीन कौर है। कहाँ से बिलोंग करते हो? जम्मू। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमने बहुत कुछ सीखा अपनी जर्नी में। जैसे कि मैम ने पहले भी बताया कि हम जनरल की टिकट्स करके गए थे, क्योंकि एट अ टाइम हमारे पास कुछ था नहीं कि हम एसी में जाते। तो लाइफ का एक्सपीरियंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिफ़िकल्टीज कभी भी आ सकती है, तो हमें मैनेज कर आना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ सीखा हमने उसमें। गोवा फिल्म फेस्टिवल में जब आपने ज्वाइन किया या आपको सुनने को जब ये मिला कि आप वहाँ पर जाके ये अपना टैलेंट जो है शो करने जा रहे हैं, तो उस वक्त आपकी कैसी तैयारियाँ रही, और आपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स में किसको बताया, फ्रेंड्स को बताया? सबसे पहले तो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, घर पे बताने से पहले हमने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, और क्योंकि हमें पता था पेरेंट्स तो हमें सपोर्ट करते ही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, और अगर हम मैम के साथ जा रहे हैं तो वो कभी मना करते भी नहीं हैं। तो प्रिपरेशन के बाद हमने घर पे बताया और उन्होंने हमें अलाउ किया, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे परफॉर्म करके। तो भूमि घाटी सर एंड गुरविंदर मैम दोनों का ही थैंक्स, इन्होंने हमें वहाँ पे परफॉर्म करने का मौका दिया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, कितनी इन्जॉयमेंट की, और गोवा कैसा लगा आपको?
गोवा तो काफ़ी अच्छा है, बस वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने मैनेज कर लिया। रात को हम सोते नहीं थे, जैसे केशव भैया ने भी पहले बताया था, तो हम घूमते थे, बहुत ज़्यादा फ़न किया हमने, तो अच्छा था। क्या मानते हो आप, जैसे बच्चे पढ़ने के बाद बाहर अब्रॉड सेटल हो जाते हैं, कुछ पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या पढ़ने के बाद बाहर सेटल होना चाहिए या जम्मू में ही रहना चाहिए? डिपेंड करता है आप पे, अगर आपका मन है आप बाहर सेटल हो सकते हो, लेकिन अपने इंटेंसिव नहीं मतलब खोने चाहिए, जहाँ कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे वापस तो आना ही पड़ेगा, फैमिली है यहाँ पे, बहुत कुछ देखना भी पड़ेगा, तो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या नाम है? मुझे सिमरप्रीत कौर। कहाँ से बिलोंग करते हो? जम्मू से। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जो गोवा फिल्म फेस्टिवल आपने किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और भांगड़े की बात अगर आ जाए तो कितना अच्छा लगता है वो आपको? तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, हमें बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्राउड है कि हम जम्मू के पहले परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल गोवा फिल्म फेस्टिवल में परफॉर्म किया, तो उसके लिए तो हमें बहुत खुशी है। एंड भांगड़ा तो मतलब हमारा पैशन है, अगर हम खुश होते हैं उसको करके। इंटरनेशनल गोवा फेस्टिवल में आप गए, आपका क्या नाम है? कैशविन गोर। जम्मू से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। कौन सी जगह से? जम्मू, यहीं से, करण बाग। वेरी गुड। और अभी क्या कर रहे हो आप, किस स्टैंडर्ड में? 8th। वाओ, 8th स्टैंडर्ड की लड़की गोवा हो आई, हम तो सपने ही देखते रह जाते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि मैं अपने ग्रुप के साथ गई थी, और मुझे भांगड़ा मेरा पैशन है, और मुझे सबसे खुशी की बात ये भी थी कि मैंने वहाँ पे जाके भांगड़ा किया और मेरा गोल्ड आया। तो किसको सबसे ज़्यादा थैंकफुल हो, मैम के हो, पेरेंट्स के हो, या किसके? मैं सबके थैंकफुल हूँ, स्पेशली गुरविंदर मैम जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, अगर वो नहीं होते तो हम कहाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जा पाते, और पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से तो हम सारी जगह जा सकते हैं अब। बिल्कुल, बहुत सही कहा, अगर गुरु सपोर्ट करे, पेरेंट्स की सपोर्ट से तो हर जगह जा ही सकते हैं, मगर गुरु एक ऐसे गुरु होते हैं जिनकी सपोर्ट से हम एक अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इन प्यारे प्यारे बच्चों का टैलेंट जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में इनके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, और इनको अपने किसी भी खास प्रोग्राम है या कोई भी फिल्म है उसमें ज़रूर एक मौका दें। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? म्यूजिकल बैंड तो आपने देखा ही है, अभी भांगड़ा देखना बाकी है, और मेरे साथ आ जाए जल्दी से भांगड़ा करने। फिल्म फेस्टिवल आप बहुत बड़ा करवा के आए हैं, तो क्या कहेंगे, एक अच्छा सा मैसेज दे दें? मैं यही बोलूँगी कि जैसे जम्मू में बहुत सारे आजकल आप देख रहे हो, हर नए दिन एक एल्बम रिलीज़ हो रही है, शॉर्ट मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, तो फिल्में हो रही हैं, मगर ये जम्मू तक ही हैं। मैं चाहती हूँ कि बच्चे इसमें जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो एक्टर हैं वो बाहर निकले, और जगह जगह यहाँ पे भी फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं, वहाँ नॉमिनेशंस के लिए भेजे, क्योंकि जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे अपनी फिल्में तो बाकी लोगों को नहीं पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि डोगरी लैंग्वेज भी है, वो सोचते जैसे पंजाब की पंजाबी है, कश्मीर की कश्मीरी है, तो जम्मू की जम्मी लैंग्वेज होगी। मुझे कितने सारे लोग वहाँ पे आप जम्मी लैंग्वेज बोलते हैं, मैं कहनी डोगरी है। तो मतलब एक एक्सपोजर मिलता है जब आप अपने फिल्मों के थ्रू, जब अपने सॉन्ग्स के थ्रू अदर स्टेट में जाते हो। तो मेरा यही मैसेज है कि जितने भी जम्मू में ये वर्क कर रहे हैं, एल्बम्स वगैरह कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, इस बार तो जम्मू जो हमारा जम्मू कश्मीर फिल्म फेस्टिवल है, जो कि मतलब जो अभी गोवा से होके हम अब जम्मू करवाने वाले हैं, तो अब तो आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, तो आप चाहे तो हमारे साथ हमारे पास आके नॉमिनेशंस करवा सकते हैं और हमारे उस फेस्टिवल का एक पार्ट बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर फिल्म फेस्टिवल का आइडिया जो है वो आपको कैसे आया, और किस तरह से आपने सोचा कि मैं इस चीज़ को पूरी इन ऑल ओवर इन्वॉल्व करके जम्मू कश्मीर में फैला सकूँ? तो मुझे तो ये लगता है, मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, आपका बस चले तो शायद पूरे जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे वर्ल्ड के बच्चों को आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर दोबारा से ले आए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपने इतने अच्छे लेवल पर लाया, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली ये आइडिया मेरा नहीं था, ये आइडिया जो एम ए मुम्मी गट्टी
सर हैं जो कि नवा कर्नाटका फिल्म अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं जो कि कर्नाटका से हैं, वो काफ़ी टाइम से चाहते थे कि मैं जम्मू में करवाऊँ, बट मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं करवा पाऊँगी क्योंकि मैं अलग लाइन से हूँ, मैं डांस वाली लाइन से हूँ, तो फिल्म लाइन से तो मैं किसी को जानती भी नहीं थी जम्मू में, तो मुझे लग रहा था सर मेरे से नहीं हो पाएगा। बट सर हर बार बोलते थे गुरविंदर तुम करवा रहे हो, तुम करवा रहे हो, मैं कहा सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट इस बार जब मैं थर्ड टाइम जब उनके पास गई, मैं हर साल जाती हूँ, इस बार भी जब हम गए तो सर ने फिर मुझे बोला अब तुम बताओ करोगी, फिर मुझे लगा नहीं मुझे करवाना चाहिए, सर इतना रिक्वेस्ट कर रहे, एक बार ट्राई करके देखने में क्या जाता है, चलो अच्छा होगा बुरा होगा एटलीस्ट ये तो होगा, नहीं मैंने किया है। तो इस बार मेरे पास टीम भी काफ़ी अच्छी थी, मेरा अपना म्यूजिकल बैंड था, भांगड़ा वाले बच्चे थे, सीनियर टीम थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो इनिशिएटिव लेने में कोई बुराई नहीं है, तो इस बस उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। तो इसके लिए तो मैं बोलूँगी कि थैंक्स टू डॉक्टर एम ए मुम्मीगट्टी सर जिन्होंने ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर डाली है, अब क्या पता मैं निभा पाती हूँ या नहीं। वेल कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन मैम एंड थैंक यू सो मच। सर क्या एक मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स इस वक्त जिसको प्रमोट कर रही हैं गुरविंदर मैडम, इसको हमें सोसाइटी की तरफ से पूरा सहयोग देना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक फील्ड है जिसमें हमारे बच्चे आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। बच्चों में टैलेंट भी है, उनमें जुनून भी है करने का, लेकिन अफसोस यही है कि सोसाइटी में इनको पूरा सा सहयोग नहीं मिलता, ना हमारे पास डांसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ना म्यूज़िक के हैं, और जो हैं वो इतने कॉस्टली हैं कि अफोर्ड हर कोई बच्चा नहीं कर सकता। सो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और जितनी भी हमारी कोई NGOs वगैरह हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए ऐसे बच्चों को। जैसे हम एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं पिछले 6-7 साल से सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा हूँ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, तो मैं समझता हूँ अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है कहीं प्रमोट करने का, इन बच्चों को भी प्रमोट करने का मौका मिलता है, तो मुझे ज़रूर करना चाहिए। और ऐसे ही उम्मीद रखता हूँ कि बाकी NGOs भी जो ऐसा काम कर रही हैं वो इसको एक एजुकेशन का पार्ट मान के करें और कैरियर सपोर्टिंग समझ के करें ताकि इन बच्चों को भी आगे जाके बढ़ने का हौसला मिले। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।